नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं फिर से निफ्टी का एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि निफ्टी में आगे क्या ट्रेंड रह सकता है। 8 अगस्त को मैंने निफ्टी का एनालिसिस जो करके आपको बताया था, उसमें बताया था कि निफ्टी में हमें डबल फ्लैग का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। मैंने क्लियरली उसमें ये बताया था कि हमारा जो फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था वो मई मंथ के आसपास हुआ था और अभी हमको सेकंड ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे चुका है, जो कि मैंने आपको वीकली चार्ट पे एनालिसिस करके बताया था, जिसमें मैंने एक थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया था, जिसमें बताया गया था कि निफ्टी के अंदर हमको इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, जिसको मैंने निग्लेक्ट किया था और क्लियरली बताया था पैटर्न और कैंडल के हिसाब से कि वो हमारा वैलिड इवनिंग स्टार पैटर्न नहीं था। और उस व्यू के हिसाब से जो मैंने लेवल्स बताए थे वो लेवल्स भी हमको देखने को मिले हैं। बट अभी निफ्टी में हमको एक नई चीज देखने के लिए मिली है, जो कि है निफ्टी के अंदर हमको ट्रिपल फ्लैग का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ चुका है। आप देख सकते हैं पहला फ्लैग का पैटर्न मेरा ये था, जहां से ब्रेकआउट होने के बाद हमको एक और फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ था। लास्ट वीक में ये फ्लैग का फॉर्मेशन ब्रेकआउट हो चुका था और अब इस वीक में ये जो है मेरा डेली का चार्ट है, यानी कि एक कैंडल जो है एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे मुझे डेली के हिसाब से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ चुका है। एक अच्छा फ्लैग बना है और फ्लैग को ब्रेकआउट होता हुआ भी हमने देख लिया है। तो अब इन तीन फ्लैग बनने के बाद निफ्टी में आगे क्या पोजिशन बनाई जा सकती है, आगे का क्या डायरेक्शन रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे नए चैनल क्यूरियस वेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल की जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। मैं स्विंग ट्रेडिंग से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में भी कई वीडियो शेयर करता रहता हूँ, या IPO का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है वो भी शेयर करता हूँ। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि है क्यूरियस बॉक्स, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट का जो ऑनलाइन कोर्स मैं शुरू कर रहा हूं, जिसका करंटली 3rd बैच चल रहा है, वो 4th बैच जो है वो नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। तो अगर उस बैच के बारे में आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना एनालिसिस शेयर करते हैं वो भी मैं अपने इस चैनल में शेयर कर देता हूं, ताकि उनकी स्टडीज से जो भी फायदा है वो आप लोग भी या जो मेरे इस चैनल के मेंबर हैं वो भी उठा सकें। और साथ ही साथ मैं निफ्टी या फिर कोई भी अच्छा चार्ट मुझे इंट्राडे में मिलता है वो भी शेयर करता हूं, और इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर कोई व्यू मेरा बन रहा होता है वो भी मैं अपने इस चैनल में शेयर कर देता हूँ। मॉर्निंग में 9:15 से पहले मैं कोशिश करता हूँ निफ्टी के इंट्राडे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स भी मैं अपने इसी चैनल में शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस को। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये वीकली चार्ट के हिसाब से मेरे को एक बड़ा फ्लैग का पैटर्न बनता हुआ नजर आया था, जिसको ब्रेकआउट देने के बाद हमको लास्ट वीक में जो दूसरा फ्लैग बना था वो ये वाला फ्लैग था, जो कि एक ब्रेकआउट होने के बाद मैंने बताया था हमको इसमें अच्छे लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, वही चीज हमको देखने के मिली है। करंटली डेली चार्ट के हिसाब से मुझे निफ्टी के अंदर एक अच्छा पैटर्न जो तीसरा फ्लैग है उसका ब्रेकआउट होता हुआ दिख चुका है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा फ्लैग का जोन है वो लगभग निकल के आ रहा है 16,340 से लेके, और लोअर लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 16,200 का मेरा वो लेवल निकल के आया है, जो कि फ्लैग का फॉर्मेशन कर रहा है। फ्लैग के पोल की अगर मैं बात करूं तो 15,550 से लेके 16,350 का जो है ये मेरा एक अच्छा 800 लगभग 800 पॉइंट का मेरा एक पोल बन के निकल आया है। अब मैं और आगे जाने से पहले आपको कई चीजें दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं ये FII और DIIs की एक्टिविटी है, जो हम देख सकते हैं 13 अगस्त के दिन क्या हुआ था। 13 अगस्त के दिन FIIs की तरफ से बहुत ही अच्छी बाइंग हुई थी, उसी हिसाब से DIIs की तरफ से भी हमको अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई थी। मंथ टू डेट अगर देखा जाए तो 13 दिनों में, यानी कि करंट मंथ में FII की तरफ से लगभग 3,500 तक की बाइंग हमको देखने के लिए मिल चुकी है। वहीं DIIs की तरफ से भी हम देखेंगे तो उनका भी पार्टिसिपेशन अच्छा हमको नजर आ रहा है। ईयर टू डेट की बात की जाए तो इस ईयर में इवन दो कुछ जो फॉलिंग सेशन थे या जहां पे मार्केट बहुत ही अच्छे से गिरा था, उस समय पे FIIs की तरफ से ओवरऑल
सेलिंग हमको देखने के लिए मिली थी, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमको देखने वाला है वो है डीआईआई की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं एफआईआई ने जितना सेल किया है उससे कहीं ज्यादा डीआईआई ने बाय किया है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि इवन दो एफआईआई की तरफ से सेलिंग हो रही है, बट हमारे जो डीआईआई हैं यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। आगे निफ्टी और ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस क्यों नजर आते हैं, उसका मेन रीजन डीआईआई है या फिर हम बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि पास्ट 6 मंथ्स में जिस तरीके से नए अकाउंट्स ओपन हुए हैं, जिस तरीके से लोगों का ध्यान इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ आया है डोमेस्टिक या रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से बात की जाए, तो उस हिसाब से इनफ्लोज जो है या फिर इंडियन मार्केट के अंदर पैसा जो आने वाला है वो बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। करंटली लोगों को ये चीज समझ में आनी शुरू हो चुकी है या फिर जो यंग जनरेशन है उनको ये चीज समझ में आनी शुरू हो चुकी है कि एफडी में पैसा रखने से अच्छा है कि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जाए जहां से हमको ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। तो वो सारा जो पैसा है वो डीआईआई की तरफ से आएगा और डीआईआई की तरफ से हमको बाइंग होती हुई नजर आती रहेगी, जिसकी वजह से आगे चल के हमको लॉन्गर ड्यूरेशन में भी अप ट्रेंड नजर आ सकता है। अब अगर चार्ट के हिसाब से बात की जाए तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पे हमको एक अच्छा फ्लैग का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ चुका है। लास्ट वीक जैसा मैंने बताया था जो मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के आ रहा था जो कि था 15,600 से लेके 15,650 का, अब मेरा वो सपोर्ट जोन जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। वो मेरा सपोर्ट जोन जो बन के आएगा वो इस गैप को हम काउंट करेंगे जो कि हमारा निकल के आता है 15,180 से लेके 15,140। ये मेरा एक इम्पोर्ट 40 पॉइंट का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है जिसके नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग होती है तो हमको 16,000 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। 16,000 का राउंड फिगर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी राउंड फिगर जो होता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है, वो एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है। बट अगर 16,000 तक के लेवल आते हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगेन नेक्स्ट ट्रेंड शुरू होने से पहले ये लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। बट शॉर्टर ड्यूरेशन के हिसाब से मेरे लिए 16,130 से लेके 16,180 जो है ये एक सपोर्ट जोन का काम करने वाला है। अब ये जोन जो रहेगा मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। इसी हिसाब से फ्लैग का जो टॉप था यानी कि 16,340 या 16,300 ये फिगर या ये रेंज को आप माइनर सपोर्ट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। फ्लैग के हिसाब से अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो मेरा सेकेंड फ्लैग और जो थर्ड फ्लैग है दोनों के हिसाब से मेरे लेवल्स नियर बाय निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट फ्लैग के हिसाब से मेरा 16,380 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड टारगेट जो था मेरा 16,630, 16,780 और 16,980, ये जो मेरे नेक्स्ट टारगेट निकल के आए थे उसी के आसपास मेरा ये शॉर्टर फ्लैग का जो टारगेट है वो निकल के आएंगे। यानी कि जो पहला मेरा टारगेट रहेगा उस वो 16,580 से लेके 16,640 का रहेगा और यही जोन जो है वो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। 16,650 के ऊपर की क्लोजिंग और सस्टेन होने के बाद हमको 16,700 और 16,800 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा 16,870 और 17,000, ये आगे के लेवल्स निकल के आए हैं। बट नेक्स्ट वीक की जहां तक बात की जाए तो नेक्स्ट वीक के लिए मुझे 16,600 से लेकर 16,650 के लेवल आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको जो बताऊं वो रहेगी आरएसआई के हिसाब से। अगर आरएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हमारा जो प्रीवियस हाई बना था मेन फ्लैग जो बना था उस ड्यूरेशन में हमारा सबसे ज्यादा आरएसआई का वैल्यू गया था लगभग 81 का। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे इस जोन में तो वो भी मेरा हाई वैल्यू जो था 81 के आसपास गया था। करंटली मेरा जो आरएसआई है उसका वैल्यू लगभग 75 का चल रहा है, यानी कि यहाँ से अभी भी आरएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 6 पॉइंट का अपसाइड पोटेंशियल डेली चार्ट पे हमको दिखाई दे रहा है। वही चीज अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं
तो हम देख सकते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से भी मेरा जो हायर पॉइंट निकल के आया था वो लगभग 79 का निकल के आया था। करंटली जो मेरा वीकली चार्ट के हिसाब से RSI है वो 72 का है। इस जोन में भी मुझे अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। तो दोनों ही कंडीशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि करंटली निफ्टी यहां से जो है हमको आसानी से 16,650 से 700 तक के लेवल्स भी अगले कुछ वीक्स में दिखा सकता है। ओवरऑल निफ्टी के अंदर मेरा पर्सनल सजेशन होता है कि हम लॉन्गर ड्यूरेशन के हिसाब से ट्रेड ना लें, हम इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से करें तो ज्यादा बेटर रिटर्न्स हमको कमाने का मौका मिल सकता है। अगर आपको निफ्टी के अंदर इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए यूजफुल होगी, जिसका फायदा आप सही तरीके से उठा सकेंगे। एज अ डिस्क्लोजर मैं बताना चाहूंगा, मैंने किसी को भी इसमें बाय या सेल का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दिया है। मैंने जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए शेयर की है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो एक बार आप अपने किसी भी ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन करने के बाद ही अपना पैसा किसी भी स्टॉक में निवेश करें।